नमस्ते फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रेणुका और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आजकल काफ मसल्स में पेन की समस्या या पिंडलियों में दर्द की समस्या बहुत आम हो गई है। घुटने और टखने के बीच का जो पैर होता है उसके पीछे वाले हिस्से को हम काफ मसल्स या पिंडलियाँ कहते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि यह पेन हमें क्यों हो जाता है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका प्रिवेंशन क्या है और क्या सिम्टम्स हमें आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके कारणों पर चर्चा करेंगे। इसमें नंबर वन पे होता है क्रैम्प आना। जब काफ मसल्स में क्रैम्प आने लगते हैं तो पेन वहाँ का बहुत बढ़ जाता है। इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि डिहाइड्रेशन है या कोई स्पोर्ट्स या एक्सरसाइज करने के पहले बॉडी को अच्छे से स्ट्रेच नहीं किया गया है तो भी हो सकता है, या कोई इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हुआ है तो भी शरीर में क्रैम्प आना शुरू हो जाते हैं। इसका दूसरा कारण होता है एचिलस टेंडिनाइटिस। जो एचिलस टेंडन होता है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, जिसके कारण पेशेंट को काफ मसल्स में बहुत टाइटनेस फील होती है और बहुत ज़्यादा पेन होता है। नंबर तीन पे है न्यूरोलॉजिकल क्लाउडिफिकेशन। इसमें जब स्पाइनल कॉर्ड में नैरोइंग हो जाती है और उसके कारण वहाँ की कोई नर्व कंप्रेस होने लगती है तो भी पैर में प्रेशर पड़ता है और पेशेंट को काफ मसल्स में पेन शुरू हो जाता है। नंबर चार पे यह होता है कि शेटिका में किसी कारण से यदि कंप्रेशन आ रहा है। शेटिका एक बहुत बड़ी नर्व होती है जो हमारे हिप जॉइंट से नीचे तक टखने तक जाती है, तो यदि उसमें किसी कारण से कंप्रेशन आ रहा है तो जो उसकी सप्लाई की जो मसल्स होती हैं वहाँ पर पेन होने लगता है और पेशेंट को काफ मसल्स में पेन शुरू हो जाता है। नंबर पाँच पे होता है आर्टेरियल ब्लॉकेज। जब किसी कारण से यदि कोई आर्टरीज ब्लॉक होने लगती हैं, स्पेशली लेग की, तो वहाँ पर काफ मसल्स में पेन शुरू हो जाता है। इसके आगे होता है डायबिटिक न्यूरोपैथी। जब पेशेंट को डायबिटीज़ के कारण कोई नर्व डैमेज हो जाती है तो वहाँ पर सुन्नपन आने लगता है और पेशेंट को काफ मसल्स में पेन आना शुरू हो जाता है। इसका एक और बड़ा कारण देखा गया है कंपार्टमेंट सिंड्रोम। जब किसी चोट के कारण या इंजुरी के कारण काफ मसल्स के कंपार्टमेंट में स्वेलिंग आ जाती है, वहाँ पे फ्लूड एक्यूमुलेट हो जाता है तो आसपास के मसल्स पे, नर्व्स पे, आर्टरीज पे प्रेशर पड़ता है और उससे पेशेंट्स को पूरे लेग में और काफ मसल्स में पेन शुरू हो जाता है। डीवीटी के केस में, मतलब डी वेन थ्रोम्बोसिस के केस में भी रेयरली कभी कभी उसके कारण भी लेग में पेन या काफ मसल्स में पेन हो सकता है। और जब वेरिकोस वेन के कारण वेन्स बल्ज आउट हो जाती हैं, जो वॉल होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, तो उसके कारण भी इसमें पेन शुरू हो जाता है काफ मसल्स में। पर ये दोनों जो कारण होते हैं, जो मैंने लास्ट के दो कारण बताए हैं, थोड़े से ओकेजनल होते हैं। यहाँ पर अब मैं कुछ होम रेमेडीज़ की बात करूँगी जिनको करके आप घर में भी काफ मसल्स को बहुत हद तक ठीक कर सकते हैं। इसमें नंबर वन पे ये होता है कि जब पेशेंट काफ मसल्स उसका पेन हो रहा हो तो उसको रेस्टिंग फेज में होना चाहिए, दौड़ना नहीं चाहिए, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं करना चाहिए। नंबर टू, पैर को थोड़ा अपलिफ्ट करके रखना चाहिए और कोशिश कीजिए कि जो पैर का लेवल हो वो हार्ट के लेवल के ऊपर हो। नंबर तीन, बॉडी को हाइड्रेटेड रखना चाहिए, मतलब शरीर में पानी की कमी नहीं होने देना चाहिए। नंबर चार, शरीर में शुगर का, सॉल्ट का, कोलेस्ट्रॉल का और सैचुरेटेड फैट का, इन सब का परसेंटेज खाने में ना के बराबर या कम कर देना चाहिए। हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज से काफ मसल्स के पेन में आराम मिलता है। यदि आपको कंप्रेशन बैंडेज से आराम मिलता है तो आप वो भी लगा सकते हैं, और आइस पैक्स की सिकाई से भी काफ मसल्स के पेन में आराम मिलता है, लेकिन आपको डायरेक्ट आइस के क्यूब्स या आइस डायरेक्ट उसको अप्लाई नहीं करना है स्किन पे। यहाँ पर अब हम इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की बात करेंगे। इसमें नंबर वन पर मेडिसिन होती है रस्टॉक्स। दोस्तों, यह मेडिसिन हम पेशेंट को तब देते हैं जब पेशेंट को रेनी सीजन में किसी कारण से यदि काफ मसल्स में पेन होने लग जाए तब अच्छा काम करती है, और यदि ओवर एग्जर्शन के कारण यदि बहुत टाइटनेस आ गई है काफ मसल्स में और उसको रेस्टिंग से आराम मिल रहा है तो भी रस्टॉक्स अच्छा काम करती है। नंबर टू पर मेडिसिन होती है अर्निका मोंटाना। यह मेडिसिन हम पेशेंट को तब देते हैं जब कोई पुरानी चोट के कारण पेशेंट को काफ मसल्स में पेन होना शुरू हो गया है तो इसके रिजल्ट्स अच्छे हैं, और पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होता है, वहाँ पे सोनेस फील होती है मसल्स में और यहाँ पे ब्लूइश डिस्कलरेशन भी दिख सकता है। यदि ये सारी कंडीशंस मैच कर रही हैं तो अर्निका के अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं।
इस कड़ी में नेक्स्ट मेडिसिन है बेलिस पर। यह मेडिसिन मसल फाइबर पर अच्छा काम करती है। यदि स्प्रिंग के कारण दर्द हो रहा है तो भी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, और यदि वीनस कंजेशन है या फिर कोई नर्व डैमेज हुई है तो भी बेलिस पर दे सकते हैं। अब रूटा मेडिसिन की बात करते हैं। यह मेडिसिन टेंडन पे अच्छा काम करती है, इसलिए टेंडन से रिलेटेड कोई बीमारी है, उसके कारण यदि काफ मसल्स में पेन हो रहा है, जकड़न बनी हुई है, स्टिफनेस है, तो रूटा जी के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं दोस्तों। इस कड़ी में लास्ट मेडिसिन है मैकफॉस। यह मेडिसिन हम पेशेंट को तब देते हैं जब पेशेंट को काफ मसल्स में फड़कन फील होती है, जिसे हम ट्विचिंग सेंसेशन बोलते हैं, और उसके साथ साथ उसको काफ मसल्स के जो हिस्सा है बहुत वीक फील होता है, वहाँ पेन होता है, तब मैकफॉस के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। दोस्तों, यदि आपको मेरा यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है और आपके काफ मसल्स के पेन को समझने में, उसके ट्रीटमेंट को समझने में आपको हेल्प मिली हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो, माय चैनल। थैंक यू।